वेलकम क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं एक नई मुहिम चलाना चाह रहा हूँ, नई सीरीज चलाना चाह रहा हूँ, जिसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो मैथमेटिक्स के और मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा, यानी कि मैथमेटिक्स के, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो कंसेप्ट हो, मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैं जीत जाता हूँ का मतलब है अगर मैं फेमस हो जाता हूँ, फेमस मतलब मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता हूँ, तो आज नहीं कल सबको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 ये, ठीक है ना, तो इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो ये होती है वर्ड स्टेटमेंट, क्या होती है वर्ड स्टेटमेंट, और इसको चेंज करना होता है इक्वेशन में। और सबसे जरूरी और सबसे मेन काम यही होता है मैथमेटिक्स में, अगर समझा जाए तो क्लास 10th तक, ठीक है ना। तो देखो क्या कहा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी कि नोटबुक की जो कीमत है वो ट्वाइस है पेन के। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ट्वाइस तो नोटबुक की है, लेकिन मल्टीप्लाई आपने पेन में क्यों करा। तो इसको समझ लेते हैं, मान लो ये आप हो और ये मैं हूं, आपके पास 20 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, तो कौन ट्वाइस है, आप, कौन ट्वाइस है आप, लेकिन टू किस में मल्टीप्लाई करेंगे, मुझ में, अगर इक्वल टू बनाना है तो याद रखना, अगर रटना चाहो कि नोटबुक ट्वाइस है तो पेन में मल्टीप्लाई करेंगे, और समझना चाहो तो ये। अब यहाँ पे उसने हिंट दे रखा है, नोटबुक को एक्स रखो और पेन को वाई रखो, नोटबुक को एक्स और पेन को वाई, दिस इज अवर आंसर। चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ दो और चाहे तो टू वाई को वहां लेके आओ, आंसर यहाँ छोड़ दो, आप कहीं पे भी आंसर छोड़ो, दोनों के दोनों वैलिड होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है एबीसी फाइंड करो, और ये इन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी। क्या दे दी? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, सुनना, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बन रखा है ना। जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बात करो तो रेड लाइट का मतलब रुकना है, ग्रीन का मतलब चलना, ऑरेंज का मतलब देखना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हुए अगर आप ढंग से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by + c = 0, मतलब इक्वल टू के इस तरफ क्या है, सिर्फ 0, और यहाँ पे तो 0 नहीं है, तो पहले इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 3y - 9.35 बार = 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई। अब कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, x के आगे जो भी होगा a होगा, x के आगे कौन है 2, तो a आ गया 2, y के आगे जो भी होगा b होगा, y के आगे कौन है 3, तो b आ गया 3, और c होगा बिना xy वाला, c ये रहा। बस अब यहां ध्यान देना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस था और ये क्या है माइनस, यानी कि c क्या होगा माइनस का होगा। और अगर सब रटना चाहो तो अगर ये दोनों साइन सेम होंगे तो c की वैल्यू यही होगी, और साइन रिवर्सल हो जाएंगे तो c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके लिए भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by + c = 0, तो x के आगे वाला a यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो a हो गया 1, y के आगे वाला b, y के आगे कुछ नहीं है तो कौन है 1/5, और माइनस का है तो -1/5, और c क्या हो जाएगा ये वाला, c क्या हो जाएगा -10। इसी तरीके से पहले इसके इसको इधर लाएंगे, -2x + 3y - 6 = 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by + c = 0, यहां से a क्या आ जाएगा -2, b कौन आ जाएगा 3, और c कौन आ जाएगा माइनस का 6। इसी तरीके से पहले इसको इधर लाओगे तो x - 3y = 0, तो ax + by + c = 0, तो x के आगे कौन है 1, तो a आ गया 1, और b कौन आ गया -3। आप ऐसा भी कर सकते थे बच्चों, x को उधर ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप x को उधर ले जाते, मैं यहां बना देता हूं, अगर x को उधर ले जाते 3y - x = 0, इस केस में a आता -1, b आता 3, इन दोनों आंसर में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों के साइन रिवर्सल है, ठीक है। इसको इधर लाओगे 2x + 5y = 0, अब देख लो a की जगह 2, b की जगह 5 और c की जगह 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं। यहां आते हो ax + by + c = 0, यहां बच्चे क्या गलती करते हैं कि y के आगे b, ऐसा देखना है, लेकिन वो देखते क्या है कि दूसरे वाला b है और b इसको दे देते जो कि गलत है, तो a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा 2। यहां आ जाओ ax + by + c = 0, x तो है नहीं तो a है 0 और b है माइनस b, b है 1 और c है -2। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, डे वन से कहता आ रहा हूं, सबसे बेस्ट किताब होती है एनसीईआरटी, सबसे बेस्ट किताब होती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सारे कंसेप्ट कैरी करती है अगर आप ढंग से पढ़ो तो। इसको इधर लाओ, कहीं लाओ 2x - 5 = 0
तो ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो, तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा -5. दिस इज आवर आंसर. तो आई होप आपको समझ आया होगा. आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो क्लास 9th क्लास 10th मैथमेटिक्स और क्लास 11th क्लास 12th मैथमेटिक्स, क्लास 9th क्लास 10th साइंस और फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का, ठीक है ना. मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है. और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल नहीं सकता अगर आपका इस्तेमाल कर आज सही से इस्तेमाल करो. तो आपसे बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं जिस चीज के लिए आया हूँ वो चीज हो सके. थैंक यू.